हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन पे। यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सियोर सिलेक्शन इन एनटीपीसी के बारे में, सियोर सिलेक्शन इन एनटीपीसी के बारे में। इससे पहले जो भी लेक्चर आया है आप सभी ने देखा होगा, ये लेक्चर सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेक्शन ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी में हो चुका है उनके लिए भी, और जिसका नहीं हुआ है उनके लिए भी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। तो आप लोग लेक्चर को लास्ट तक देखो और समझ समझ के देखना। इससे पहले एक वीडियो आया था, इंट्रोडक्शन वीडियो, वो आप लोग देख लेना। ये वीडियो है आपका सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में और मैथ्स सेक्शन के बारे में। यहाँ पे हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे, मैथ्स का क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारा चीज हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल का कोई सा भी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग देखना, यहाँ पे आपका अनलिमिटेड एजुकेशन होगा, यहाँ पे आपका ज्वाइन बटन होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप लोगों को ज्वाइन करना है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस करोगे तो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। कोई सा भी वीडियो, चैनल का कोई सा भी वीडियो, और ये ज्वाइन इसीलिए करना है ताकि आपका सियोर सिलेक्शन हो सके NTPC में। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे NTPC के बारे में। तो हम लोग जितना भी बात करेंगे सब कुछ रेलवे के हिसाब से करेंगे। रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, उसमें रेलवे ने क्या क्या सिलेबस डाला है, कितना देर का एग्जाम होगा, किस सेक्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया जाएगा, निगेटिव है कि नहीं है, सब कुछ हम लोग रेलवे के हिसाब से देखेंगे। तो ये देख सकते हो, ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें आपको ये चीज पता चला कि टोटल 90 मिनट आपको मिलेगा और टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपका मैथ्स है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन, दोनों मिला करके कितना हुआ 60 क्वेश्चंस। और मैंने आप लोगों को क्या बताया है, स्ट्रॉन्ग मीन्स सेलेक्शन। जितने भी लोग अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो कर रहे हो, ये छोटा सा क्यूटेशन आप लोगों के माइंड में हमेशा घूमना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि यार ये स्ट्रॉन्ग मीन्स सिलेक्शन क्या है, तो आप लोग मुस्कुरा करके बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग मीन्स सिलेक्शन, अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। और मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट, 60 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स, या 55 प्लस, 56 प्लस, 57 प्लस, इतना आना चाहिए तब हुआ आपका स्ट्रॉन्ग। ये नहीं कि 60 क्वेश्चन में आप 40 ला रहे हो, 35 ला रहे हो, 32 ला रहे हो और बोल रहे हो कि सर मेरा मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं पेपर वन के बारे में, तो हम लोगों का मेन फोकस है पेपर वन। पहले आप लोग पेपर वन निकालोगे, उसी के बाद तो पेपर टू निकालोगे ना। तो पहले पेपर वन पे टारगेट करो। तो मैं हर एक चीज पेपर वन सोच करके ही बताऊंगा ताकि आप लोग पेपर वन इजीली क्वालिफाई कर जाओ। और जैसे ही पेपर वन क्वालिफाई करोगे, उसके जस्ट बाद पेपर टू का प्रिपेरेशन, जैसे ही पेपर टू क्वालिफाई करोगे उसके जस्ट बाद साइको का प्रिपेरेशन, ठीक है। अल्टीमेटली सिलेक्शन तो होना ही है। और ये जनरल अवेयरनेस है तो इसका भी लेक्चर आएगा, उसमें डिटेल्स में बात करेंगे। चलो यहाँ पे याद रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.33 मतलब 33% नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आप लोग याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से है कि आपका 20 times सिलेक्शन होगा, मतलब जितना वैकेंसी है, मान करके चलो कि 35,000 वैकेंसी है आपका, तो इतना गुना 20, तो ये आपका इतना हुआ, ठीक है। तो इतना लोगों को वो सेलेक्ट करेगा, इतना लोगों को वो सेलेक्ट करेगा। तो काफी आसान कंपटीशन है, आप बस अच्छे से थोड़ा सा मेहनत तो करो, आप आसानी से पेपर वन निकालोगे, ठीक है। चलो इसके आगे बात करते हैं, अब हम लोग सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग मैथ्स का सिलेबस देखेंगे।
तो ये रेलवे का दिया हुआ सिलेबस है। और एक बात याद रखना, रेलवे काफी स्ट्रिक्ट है, जितना उसने लिख दिया वो सारा आपको करना है, क्योंकि वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग आपको बताएंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि यहाँ से इतना क्वेश्चन, यहाँ से इतना क्वेश्चन, यहाँ से इतना क्वेश्चन, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान मत देना। जहां से आता है वो मैं खुद आपको अच्छे से बताऊंगा, और उस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करूंगा जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं और सियोर शॉट आप क्वेश्चन बना करके आओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंटरी अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिक्स, ये सारा आपका मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है। तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, टेस्ट द एबिलिटी एज टू हाउ यू इंटरप्रेट द सेंटेंस, ठीक है। सब कुछ जैसे जैसे चैप्टर आएगा वहां पे डिटेल्ड में बात करेंगे, यहाँ पे ज्यादा वीडियो को लंबा करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपोर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये सारा ऐसा सेक्शन है ना जो अगर आप अच्छा कर लेते हो ना, तो आप एसएससी का एग्जाम दो या रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दो, आप आसानी से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आया, परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री। अब काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर ज्योमेट्री क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री तो काफी हार्ड होता है, उसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर, ये मैं अच्छे से करवाऊंगा, सब कुछ अच्छे से करवाऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस। अब ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग कमेंट करो कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। आप लोग कमेंट करो कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है, कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, इसके बारे में आप लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए है, थोड़ा सा देख लेना। वैसे ये ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है, तो अगर आप लोग एनटीपीसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, एलसीएम एचसीएफ क्या है। फिर भी अगर आपको हिंदी चाहिए तो यहाँ पे हिंदी में देखो लिखा हुआ है, अंक प्रणाली, सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, एलसीएम एचसीएफ, क्या है ये, कुछ नहीं है, एलसीएम HCF, तो इतना आप लोग कर सकते हो। टाइम एंड वर्क, लाभ हानि, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, दशमलव, भिन्न, समय दूरी, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सांख्यिकी, विविध, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो इतना सारा डिटेल्ड है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर का आस्क्ड क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम में आ चुका होता है। याद रखना, हमेशा आस्क्ड क्वेश्चन प्रिपेरेशन करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। अगर आप आस्क्ड क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपका प्रिपेरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम होता है वो भी आस्क्ड क्वेश्चंस का ही सिलेबस फॉलो करता है, पैटर्न फॉलो करता है, पीछे क्या पूछा जा चुका है उसी टाइप का। और अगर आप सारा का सारा आस्क्ड क्वेश्चन देख लेते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन का आपको पहले से आइडिया रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया। इसके जस्ट बाद रीजनिंग का सिलेबस आएगा, और उसके जस्ट बाद जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड लेक्चर आएगा। तो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में मैं 2-4 बुक रिकमेंड करूंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग। तो आप लोगों का काम है कि उस बुक को परचेज कर लेना है, और जैसे जैसे आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा वैसे वैसे आपको पढ़ना है, और फीडबैक भी देना आप लोग कि ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए
या इतना काफ़ी है या कुछ भी फीडबैक देना, कोशिश करना पॉजिटिव फीडबैक देने का, या कैसा भी फीडबैक हो तो कोशिश करना आप लोग देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।